चलो बाय। चलो गाइस चलते हैं, उसके आगे भाई यहाँ पर हैं चलना। सो गाइस अभी अभी अब निकले तो रोड पे ज़्यादा ध्यान मत देना, रोड ज़्यादा टूटा हुआ है उसकी टेंशन मत लो, बस मिल चलते हैं अपना धीरे धीरे और पहले फ्यूल अप कराते हैं और फिर निकलते हैं राइड के लिए। आज की राइड बहुत ही क्रेजी होने वाली है। ₹150 का पेट्रोल गिरा लो हाँ ब्रो, ₹150 का पेट्रोल ₹150 का गिरवा लो। अभी टंकी हाँ भाई, 1 लीटर में 400 किलोमीटर का एवरेज देती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और तो गाइस अभी कराते हैं फ्यूल अप और निकलते हैं राइड के लिए नीचे से। ओके तो गाइस वहाँ पे चार्जर खड़ा है वहाँ सामने, और ये सामने रॉन्ग साइड चलेंगे नीचे से लग रहे हैं क्या। तो गाइस अभी बीच में कंडीशन ख़राब हो गई थी तो वो पार्ट स्किप करना पड़ा हमें थोड़ा सा स्किप कर दिया हमने पास हैं। सो गाइस हम थोड़ा थक चुके हैं अभी राइड पे निकल के। अभी वो पूछते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चल रही है वो रील कि ब्रो सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, नेपाल। बस ठीक, बहुत बढ़िया। अपन लगेज नहीं है ना, गाड़ी चमक रही है ना ब्रो, एक नंबर देख रहे हो, एक नंबर गाड़ी चमक रही है। बस ये थोड़ा सा डाकू को निशान लग गया था किसी चीज़ का, ऑफिस में मार दे रहे किसी ने, वो भी करा लेंगे ठीक। सो गाइस दोनों बाइकों का फ्यूल अप हो चुका है और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ संडे राइड पे। वैसे भी 15 अगस्त की एक और राइड है, वो वाली राइड देखना मत भूलना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 15 अगस्त वाली राइड। बाकी इस राइड पे देखते हैं अभी क्या करते हैं, आगे रुकते हैं सिग्नेचर पे, थोड़ा इंट्रो वगैरह देखते हैं कौन कौन है राइड पे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है गाइस चलते हैं राइड पे। हमारे साथ गियर शिफ्ट पर ब्लॉग भी जा रहे हैं, इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। हेलो वेलकम गाइस टू अनदर ब्लॉग डाकू लाइफ। तो गाइस देख रहे हैं आज हमारा प्लान है गुड़गांव जाने का, तो दोनों बाइकें रेडी हैं, यहाँ पे हम खड़े सिग्नेचर रूट पे और यमुना का पानी आ गया है इतना गहरा, वाओ बहुत गहरा ब्रो, बहुत गहरा पानी है। तो सब मॉर्निंग वॉक में एक आदमी बाइक वहाँ खड़ी है,
बेटा अपने को रुक लगाया मेरे अपने को रुक तो चले कोई नहीं, वो आवाज आ जाएगी, उसमें इनबिल्ट स्पीकर है। चले ना राइट पे, ठीक है फ्रेंड्स, गुड गाँव चलते हैं, राइट की शुरुआत करते हैं। यहाँ से अच्छे से जाए, अच्छे से आए, अंकल खड़े थे ना, वो काफ़ी देर से खड़े हुए देख रहे थे कि ये राइडर्स कहाँ जा रहे हैं, पर उन्होंने आके पूछ लिया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को एजिटेशन होती है, धीरे धीरे खुल जाती है, होगी पहले हमें भी बहुत एजिटेशन होती थी, अब पर अब नहीं होती। पहले अभी पीछे रिएक्शन देखा था तुमने, और ये गियर शिफ्टर व्लॉग जा रहा है, इसको भी फॉलो कर लेना गाइस, इनके व्लॉग देख लेना, इनके व्लॉग में मैं दिखूंगा ना बाइक चलाते हुए, मेरे व्लॉग में ये दिख रहा था, इनके व्लॉग में मैं दिखूंगा बाइक चलाते हुए। तो बस थोड़ी सी दूर और फिर पहुँचते अपनी मंजिल पर, फिर देखते हैं इनके फॉलो करने के चक्कर में कभी मेरे लिए वीडियो लाइक करना भूल जाता, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और जय श्री राम लिख देना जो जो हनुमान जी के भक्त है, क्योंकि आज राम और जय श्री राम दोनों जा रही हैं। और फुल रूट है क्या, ये क्या लिख रहा है फास्ट, हाँ हाँ समझ गए होंगे आप क्या लिख रहा है, छोटी को बताना मतलब डाकू। अभी इसकी ना मैं सोच रही हूँ टेल लाइट हटवा दूँ पीछे से, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, टेल लाइट हटवा के ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी हम पहुँच चुके हैं बाबा के मंदिर और हनुमान जी का दर्शन कर लो गाइस, सुबह सुबह जय श्री राम, जय श्री राम। जो जो हनुमान जी के भक्त हैं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अभी वो मैं वहाँ पे इनका चेकअप की बैठी हो गई है डाउन, मैं कुछ बोल रहा था ना गाइस, इनका गियर शिफ्टर ग्लो मोटर ग्लो गए। और गाइस ये रास्ता देख रहे हो, क्या ही सुंदर रास्ता है, रास्ते के दोनों तरफ ग्रीनरी है, इधर भी ग्रीनरी है इधर भी ग्रीनरी है, मतलब एक नंबर रास्ता लग रहा है। मॉर्निंग टाइम में और तो हवा भी ठंडी ठंडी लग रही है, एक डीवी किलर निकालने के चक्कर में देख रहे हो भाई, ये डीवी किलर नहीं निकल के दे रहा हमारी, भी हो जाएगी स्पॉट बाइक, रेनो बाइक प्रो स्पॉट, डीवी किलर निकलते ही ये देखो ये राइडर्स आ रहे गाइस, यहाँ पे ग्रुप आ रहा है इसका, ये भाई निकाल इसे निकाल भाई, तो गाइस हमने निकाल दिया टीवी किलर, उसकी आवाज भी वैसे है, टीवी किलर निकाल दिया, चलान कटवा लेते हैं। सो गाइस राम चलने के लिए रेडी, और जय श्री राम भी चलने के लिए रेडी, ये भाई रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, एक राम वो खड़ा और जय श्री राम ये खड़ा, वो छोटा भाई है राम, ये बड़ा भाई है जय श्री राम, ठीक है भाई, तो कमेंट्स में लिख देना जय श्री राम। तो बाइक थोड़ी एक्सचेंज हो गई है, ये भाई ये वाली बाइक चलाएंगे और हम गियर शिफ्टर ब्लॉक चलाएंगे, गियर शिफ्टर ब्लॉक
वैसे फोर व्लॉक चलाएंगे उसका थोड़ा ना ऐसा कर लो और यहाँ से टाइप कर लो क्या जी। चलो ब्रो चलते हैं वैसे छोटा थोड़ा सा मिलता है ऊपर सीसीटीवी की नजरों में हो आप है हम राइडर से हमें रुकना पड़ता है ब्रो। अभी कोई इधर से आ गया ना अभी कोई इधर से आ गया बूम ओह माय गॉड वहां तो तू मना कर रहा है हिंदी दबाड़े कहीं चलो अभी दिला देंगे वहाँ भी दुकान है ब्रो पर वहाँ नहीं खाएंगे तो अभी गाइस क्रैकर के पास सुनाते हैं आपको देखो भाई की क्रैकर के पास लो ले रहे थे और आपको सुनाई नहीं दे रहा देख रहा भाई असला मैं नहीं बताऊंगा पानी पी रहा होगा राइडर्स पैराडाइज कैफे हो रहा बाकी देख बहुत गर्मी है भाई गर्मी कहाँ है दूप जादू बन जाओ ना फिर धूप है तो इतना
मैं ओवर एक्टिंग नहीं करने का। वो देख रहा हूँ सिस्टम। सही है। सो गाइस चलते हैं घर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम पैराडाइज कैफे को और विदाउट कह चुके हैं। तो यहाँ पे अपने ग्लव्स वगैरह पहनना भी वीडियो बनाई थी हमने थोड़ी वीडियो तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। बाकी अभी पहुँचते हैं घर और देखते हैं आगे का नेक्स्ट प्लान क्या होता। इन भाई को दो पुलिस वाले पकड़ रहे थे। फिर दो पुलिस वाले पकड़ रहे थे इनको, पर ये बच के निकल गए। तो सजना जी मैनु छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा जान। सजना जी तेरे बिना जी या लागे ना, हम से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। हाय सजना जी मैंने छड़ के नहीं जाना, बिना तेरे मैंने मिल भी सजा। हाय सजना जी तेनो बाह विच भर ले।